डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉक वेरिएबल, मतलब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग लॉक वेरिएबल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथोडोलॉजी है। अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे गैल्विन की बुक से ही एज इट इज लिखा हुआ है, क्योंकि गैल्विन को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रंथ मानते हैं, तो वहां पे उसी का मैंने यहाँ पे फंडा जो है वो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यूज में कहीं से भी आपको कुछ भी पूछ लें रिलेटेड टू दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। सारे के सारे एस्पेक्ट कवर जो है वो इसमें करेंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है और डिवाइसी से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉक का फंडा क्या है? लॉक कहता है कि यार भैया, क्रिटिकल सेक्शन में जिसने जाना है लॉक को एक्वायर करे, जब क्रिटिकल सेक्शन में आपका काम कंप्लीट हो गया तो लॉक को रिलीज करे। बेसिक सा मेथोडोलॉजी तो यही कहती है, लेकिन एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका जो सूडो कोड है, क्योंकि ये एक्चुअल में यूजर मोड पे काम करता है, मतलब इसमें हम कर्नल की कोई सपोर्ट नहीं लेते, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सपोर्ट नहीं लेते, एपीआई के थ्रू कर रहे हैं, एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में हमने सिंपल सा कोड जो है वो लिखा हुआ है, और लॉक का कोड मैंने पूरा नहीं, मतलब जो सूडो कोड है वो एक्चुअल में यहां पे लिखा हुआ है। तो कैसे काम करता है मैं आपको केस वाइज बताता हूं, पहला केस, दूसरा केस, इस तरीके से देखो। लेट्स से अगर मैं केस वन की बात करूं, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट्स से दो प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P2, ऑल्दो ये मल्टी प्रोसेसेस का सोल्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो प्रोसेसेस पे ही एप्लीकेबल है, बहुत सारी सोल्यूशन है जैसे पीटरसन वगैरह, वो सिर्फ दो प्रोसेस पे काम होते हैं, लेकिन इसमें आप मल्टीपल प्रोसेसेस पे भी रन करवा सकते हो। तो देखो, लेट्स से मैंने सिर्फ दो ही लिए, P1 और P2। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, जो लॉक है, जो लॉक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होती है, जीरो। जीरो भी ले सकते हो आप, फॉल्स भी ले सकते हो, ट्रू और फॉल्स की टर्म में भी, या फिर वन और जीरो की टर्म में। जब लॉक की वैल्यू जीरो, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो वेकेंट है, मतलब खाली है, और अगर लॉक की वैल्यू वन है तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो आपका फुल है, यानी मतलब उसमें ऑलरेडी देर इज सम प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, लॉक की वैल्यू स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जीरो है, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। लॉक की वैल्यू अगर मैं स्टार्टिंग में जीरो मैं इस तरीके से यहां पे मेंशन कर देता हूं, तो लेट्स से केस वन, P1 आया सबसे पहले, प्रोसेस ने आते ही एंट्री कोड रन किया। एंट्री कोड में क्या है, लॉक इज डबल इक्वल टू वन, लॉक की वैल्यू क्या है, लॉक की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो, जीरो डबल इक्वल टू वन, फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे रन करेगा। इसका, इस कहानी का मतलब आपको पता लग रहा होगा, लॉक इज डबल इक्वल टू वन भी ले सकते हो, आपको हो सकता है बुक में इस तरीके से भी दिया हो, लॉक या नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, बात एक ही है, लॉक नॉट इक्वल टू जीरो या लॉक इज डबल इक्वल टू वन, बात एक ही है, बहुत जगह पे आपको इस तरीके से भी दिया हो सकता है। अब देखो, P1 आया, उसने लाइन नंबर वन को एग्जीक्यूट किया, जीरो इज डबल इक्वल टू वन, फॉल्स, नेक्स्ट लाइन पे गया, लॉक इज इक्वल टू वन, लॉक की वैल्यू को सेट कर दिया, मतलब जीरो से क्या कर दिया, वन कर दिया, और क्रिटिकल सेक्शन में कौन घुस गया, क्रिटिकल सेक्शन में P1 घुस गया, मतलब P1 ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन किया, सेकंड को किया, और थर्ड को रन करके क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब इस टाइम पे लेट से P2 कहता मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो P2 ने सबसे पहले क्या किया, व्हाइल लॉक, लॉक की वैल्यू क्या है, वन, वन इज डबल इक्वल टू वन, ट्रू, ट्रू होते ही ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप में फंस गया, गेटिंग द पॉइंट आउट, क्योंकि ट्रू हो गया, वाइल ट्रू का मतलब है सेमीकोलन है यहां पे, तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया, तो P2 जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा, गेटिंग द पॉइंट आउट। तो यहां पे जब P1 का काम कंप्लीट हो गया तो वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट किया, लॉक की वैल्यू को दोबारा से जीरो कर दिया। अब P2 कहता मुझे जाना है, तो लॉक की वैल्यू क्या है, जीरो डबल इक्वल टू वन, फॉल्स हो गया, लॉक की वैल्यू को वन कर देगा, और कौन घुस जाएगा, P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस जाएगा, गेटिंग द पॉइंट। तो पहले P1 आया, फिर P2, पहले आप P2 को भी चला सकते हो, बात एक ही है। तो इस तरीके से हम जनरली जो है वो लॉक वाले फंडा को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ लें, इज देयर एनी गारंटी, यहां पे देखो, इज देयर एनी गारंटी दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या आप गारंटी देते हो, क्या लॉक गारंटी देता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी? दिखने में तो इस केस में लग रहा है कि होगी, लेकिन देयर इज नो गारंटी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे केस टू लेके चलता हूं, ये आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। लेट्स से दोबारा से हम लेके चलते हैं केस टू, ठीक है। अब केस टू में हमने क्या किया, केस टू में अगेन हमने P1 ले लिया, P2 ले लिया, लॉक की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो, मतलब वेकेंट है। अब देखो, P1 आया सबसे पहले,
उसने लाइन नंबर वन को एग्जीक्यूट कर दिया। लाइन नंबर वन मतलब लॉक की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में जीरो है, ठीक है, लॉक की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो है। तो उसने क्या किया, जीरो इज डबल इक्वल टू वन, फॉल्स हो गया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, मतलब लाइन नंबर वन को उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना, लाइन नंबर वन को एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही वो लाइन नंबर टू को एग्जीक्यूट करने वाला था वो प्रीएम्प्ट हो गया, मतलब उसको कोई इमरजेंसी आ गई। लाइन नंबर वन एग्जीक्यूट करने के बाद वो जैसे ही लाइन नंबर टू मतलब लॉक को जैसे ही वन करने वाला था, यहीं पे इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया, इमरजेंसी आ गई, वॉशरूम जाना पड़ गया, वो चला गया। इतने में पीटू आ गया, पीटू कहता भी फिर मैं आ जाता हूं। पीटू ने देखा लॉक की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो इज डबल इक्वल टू वन, फॉल्स। लो जी, पीटू ने लाइन नंबर वन को एग्जीक्यूट कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, लॉक इज इक्वल टू वन, लॉक की वैल्यू को वन कर दिया, लाइन नंबर टू को भी एग्जीक्यूट कर दिया, और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन घुस गया, पीटू जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। गेटिंग द पॉइंट, लाइन नंबर वन टू और थ्री एग्जीक्यूट कर दी, पी वन वापिस आ गया, पी वन अपनी इमरजेंसी कंप्लीट हो गई उसकी, ठीक है, वो वहां से घूम के वापिस आ गया। जब वो वापिस आया तो रीस्टार्ट नहीं होगा, वो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन को चला चुका है। जैसे ही वो वापस आया उसने देखा लॉक इज इक्वल टू वन, मतलब लॉक की वैल्यू को वन कर दो। भैया लॉक की वैल्यू चाहे जीरो थी या वन थी, उसने तो इस इंस्ट्रक्शन को चलाया, लॉक की वैल्यू पहले ही वन थी, उसने वन को ओवरराइड करके वन कर दिया, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं कि व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ऑलरेडी वो कर चुका है काम। इसने क्या किया, लाइन नंबर टू को एग्जीक्यूट किया और लाइन नंबर थ्री को एग्जीक्यूट करके घुस गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। लो जी, पी वन भी आ गया, पी टू भी आ गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन गई, दूर दूर तक कहीं नहीं है। इस केस में आप चाहे पी थ्री पी फोर जितने मर्जी प्रोसेस डाल लो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पे नहीं है। गेटिंग द पॉइंट आउट, तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है किसके अंदर, लॉक वेरिएबल के अंदर, बिकॉज इन दोनों के बीच में अगर प्रीएम्प्शन होती है तो ये फंडा फेल हो गया। तो हम नेक्स्ट जो है वो टेस्ट एंड सेट वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या चेंजेस किए और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे अचीव किया। तो ये मेन मेन पॉइंट्स यही थे। यूजर मोड पे काम करता है, एप्लीकेशन को यूज करते हैं यहाँ पे, कर्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। मल्टी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट रिलेटेड टू द लॉक वेरिएबल। थैंक यू।